ओके अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 7.1। उसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्या बोला है यहाँ पर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। उसका कलर हम चेंज कर देते हैं। हाँ, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा था, वो क्या था। डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ एनी मतलब बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ, ये आपको याद रखना है, कंपल्सरी है, एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। आप देखो यहाँ पर उसी फॉर्मूले का यूज करना है, बाकी कुछ नहीं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे, लेट दैट पॉइंट्स, पॉइंट्स को तो नाम नहीं दिए उन्होंने, तो हम दे देते हैं, चलो पी लिख देते हैं। ये पॉइंट कौन सा दिया है, 2.3 है। दूसरा एक पॉइंट दिया है 4.1 है, राइट। तो ये पॉइंट्स आपको क्या करना है, इन दो पॉइंट्स में, इन दो पॉइंट्स में जो डिस्टेंस है वो आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू, यहां पर हमें उससे भी पहले क्या लिखना पड़ेगा देखो, क्योंकि एक्स टू एक्स वन वाई टू वाई वन ये कौन से पॉइंट्स है ये भी आपको मतलब समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ये कौन से होंगे, एक्स वन वाई वन, उसके बाद ये वाई वन, और ये जो पॉइंट है ये होगा एक्स टू वाई टू। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करो, साइड में लिख के ले लो, एक्स वन इज टू, एक्स टू की वैल्यू है 4, उसी तरीके से वाई वन है 3 और y2 की वैल्यू है 1, राइट। अब इसको फॉर्मूला में रख दो। अब फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मुझे फॉर्मूला आ रहा है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता है आपको फॉर्मूला आ रहा है, लेकिन जो चेक करने वाला होगा उसको भी लगना चाहिए कि इसको फॉर्मूला आता है। तो बस फॉर्मूला लिख लेना है, एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन ब्रैकेट स्क्वायर, वैल्यू आप रख दो। पहले x2 की वैल्यू कितनी है 4, ब्रैकेट करना है, माइनस x1 मतलब 2, माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू है 3 इसका स्क्वायर। अब आराम से इसका स्क्वायर निकालो, कुछ नहीं गड़बड़ है हमें, चलो 4 माइनस 2 कितना आएगा 2 उसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना आएगा माइनस 2 आएगा, हाँ उसका स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 प्लस, ये प्लस यहां लिख दिया, माइनस 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो 4 प्लस 4 कितना आएगा रूट 8। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 8 को भी लिखने के मतलब अलग अलग तरीके हैं, उसको भी आप, ये तो आपका आंसर फिक्स है, यही आपका आंसर आ गया, तो चाहे तो आप इसको और मतलब सुधार सकते हो और अच्छे तरीके से लिख सकते हो। कैसे, ये देखो रूट 8 को ही मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 into 2, राइट। अब ये देखो इसका आंसर क्या होता है, यही क्या है 4 root 4 into root 2, राइट। रूट में ही मल्टीप्लीकेशन है ना, तो हम हर एक को सेपरेट रूट दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये एडिशन में नहीं चलेगा। सपोज देखो ये भी हम क्लियर कर देते हैं, अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2 है तो आप इसको स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 2 ऐसे नहीं लिख सकते, ये किसके लिए अलाउड है, बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, राइट। तो बस आप इसको कहाँ लिख सकते हो, जहाँ मल्टीप्लिकेशन है बस वहां पर ही, राइट, मतलब रूट 4 into root 2। अब आपको तो पता है रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, और रह क्या गया रूट 2, मतलब रूट 8 को ही आप इस तरीके से लिख सकते हो, राइट, अदरवाइज ये भी आंसर चलेगा। नेक्स्ट है
सेकेंड वाला पॉइंट दिया है आपको, चलो इसको ए भी नाम देते हैं। ए पॉइंट क्या दिया है, -5.7, और बी पॉइंट दिया है -1.3। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना उसको हम बोलेंगे x1 y1, सेकेंड पॉइंट को बोलेंगे x2 y2। पहले फॉर्मूला तो लिखना ही है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू x2 - x1 square प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दो इसमें, x2 की वैल्यू कितनी है -1, ब्रैकेट करना जरूरी है, -1। माइनस ऑलरेडी है x1, चलो कलर चेंज करते हैं ना, x1 की वैल्यू कितनी है -5, राइट, ये माइनस है तो यहां पर -5 लिख दो। अगर आप मतलब ये तो प्रैक्टिस होनी ही चाहिए कि माइनस इनटू माइनस क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, राइट। तो ये आ गया आपका प्लस, इसका स्क्वायर प्लस। y2 की वैल्यू कितनी है 3 है, माइनस y1 की वैल्यू है 7, उसका स्क्वायर कर दो बस। अब -1 + 5 कितना आएगा 4, इसका स्क्वायर प्लस 3 - 7 कितना आएगा -4, उसका भी स्क्वायर कर दो। तो फिर 4 का स्क्वायर आएगा 16 प्लस -4 का भी स्क्वायर कितना आएगा 16 ही आएगा, राइट। और 16 + 16 कितना आएगा 32। अब ये तो आपका आंसर राइट है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन ए बी, राइट 32। हाँ इसको यूनिट्स लिखना चाहिए, राइट यूनिट्स। अब उसको आप ऐसे ही रख दो या फिर उसको आप मॉडिफाई करके अच्छे तरीके से भी लिख सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में। कैसे, ये देखो √32 को ही मैं ऐसे लिख सकती हूँ 16 × 2, और उसको ही आप क्या कर सकते हो √16 × √2 ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि मैंने पहले बताया था। और √16 कितना आता है 4 आता है, √2 इसका ही मतलब होता है 4√2, ठीक है। ये आ गया आपका डिस्टेंस। थर्ड देखो अभी लास्ट, इसको हम PQ कोई भी पॉइंट से लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस आंसर राइट आना चाहिए। ये पॉइंट्स लिख लिए, ये होता है फर्स्ट पॉइंट होता है x1 y1, दूसरा पॉइंट होगा x2 y2। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। उसका फॉर्मूला पहले लिख दो, प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। देखो x2 की वैल्यू कितनी है -a, x1 की वैल्यू कितनी है a, -a, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -b, y1 की वैल्यू कितनी है b, उसका भी स्क्वायर कर दो। तो सॉल्व करो अभी, -a - a कितना आएगा -2a, इसका स्क्वायर प्लस -b - b का स्क्वायर कितना आएगा -2b, उसका भी स्क्वायर कर दो। उसके बाद -2a का स्क्वायर कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, और माइनस का भी स्क्वायर कितना आता है प्लस ही, मतलब माइनस वालों का स्क्वायर प्लस ही आता है। और -2b का स्क्वायर कितना आएगा 4b स्क्वायर, राइट। अब इसमें कर देते हैं हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। अब देखो कॉमन निकालना तो आपने सीख लिया होगा, यहाँ पर भी 4 है यहाँ पर भी 4 है, तो उसको हम साइड में रख देते हैं और ब्रैकेट कर देंगे। तो फिर अंदर कौन बचा, 4 तो चला गया बाहर, अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस ये भी बाहर चला गया, तो कौन बचा बी स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन है तो दोनों को स्क्वायर रूट डिवाइड करके दे दो, सेपरेट करो, राइट। अब √4 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, और साइड में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, मतलब ऐसे मत करो, कैसे देखो 2 और ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, उसको आप ऐसे नहीं करना,
मतलब रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इस मतलब प्लस है नाइन में, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम देखो क्या बोला यहां पर। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, मतलब ये थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि कोलिनियर का मतलब क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे आने वाले थ्री पॉइंट्स। अगर सपोज ये पॉइंट्स हमने रख दिए, ये तीन पॉइंट्स, क्या इनको हम कोलिनियर बोल सकते हैं? ज्वाइन कर दो, क्या पॉइंट्स कोलिनियर हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एक लाइन पे नहीं आ रहे। हाँ, ये पॉइंट आप चेक करो, ये पॉइंट थ्री पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, क्योंकि एक लाइन पे आ रहे। वो लाइन कैसी भी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, बस उस लाइन पे वो थ्री पॉइंट्स आने चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब वो आप मैथमेटिकली कैसे पहचानोगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तो समझ में आया कि कोलिनियर का मतलब क्या है। अगर वो पॉइंट्स, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी पॉइंट है, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, आप वो कैसे पहचान सकोगे? सपोज इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो है थ्री, और इसका डिस्टेंस कोई तो टू है मान लो, तो आप क्रॉस वेरीफाई कैसे कर सकते हो कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है? कैसे करोगे? अगर ए बी का डिस्टेंस, ध्यान से देखो, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू, सॉरी डिस्टेंस ऑफ बी सी, ये वाला, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मतलब क्या होना चाहिए, ये पूरा डिस्टेंस आना चाहिए 5 यूनिट्स, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो ही हम उसको बोल सकते कि ये पॉइंट्स कैसे है, कोलिनियर है, अदरवाइज ये पॉइंट्स कोलिनियर है नहीं। समझ में आ रहा है? अब ये पॉइंट्स हम तो मान लेंगे ए बी और बी सी इज इक्वल टू ए सी आना चाहिए। ये तीन जो पॉइंट्स हैं वो रैंडमली कहीं भी हो सकते हैं, राइट? मतलब ऐसा नहीं है कि ए मैंने इसको मान लिया, इसको बी और इसको सी, तो ये फर्स्ट जो पॉइंट दिया है हमें, ये कुछ इसी तरीके से अरेंज किया गया हो, ऐसे नहीं हो सकता। ये पॉइंट्स जो है मतलब वो रैंडम है, ये पॉइंट 1.5 भी, ये भी हो सकता है, और ये -2.11 यहाँ पर हो सकता है, और 2.3 यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो बस आपको एक ही वेरीफाई करना है। तब आपने तो इसको क्या नाम दिया था, ए बी सी, लेकिन पॉइंट तो अलग अलग आ रहे। कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होनी चाहिए? एक तो ये वाली, मतलब क्या, अब मैं डिस्टेंस नहीं लूंगी, डायरेक्टली लिख देती हूँ, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आना चाहिए, और या फिर बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी आना चाहिए, और ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी आना चाहिए। इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा तो ही आप बोल सकते कि हो कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो कोलिनियर है। अब देखो, इस डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमें एक ही यूज करना है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, इसीलिए आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। जैसे कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी कंडीशन यही है, इन तीनों में से कोई तो एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर यही अप्लाई करके देखते हैं, राइट? सपोज पॉइंट ए हमने ले लिया 1.5, बी हमने ले लिया 2.3, और सी पॉइंट ले लिया -2.11। पहले क्या निकालना होगा आपको,
डिस्टेंस, हर एक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, ए बी का निकालना पड़ेगा, बी सी का निकालना पड़ेगा, फिर ए सी का भी निकालना पड़ेगा। ए बी, ए बी का डिस्टेंस क्या आएगा, ए बी। तो यहां पर क्या होंगे, ये होगा एक्स वन, ये होगा वाई वन, ये होगा एक्स टू, ये होगा वाई टू। ध्यान से देखो प्रॉब्लम, राइट। अब देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स टू कितना है, देखो एक्स टू है टू माइनस एक्स वन है वन उसका स्क्वायर, वाई टू है थ्री, वाई वन है फाइव उसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, टू माइनस वन आएगा वन उसका स्क्वायर, थ्री माइनस फाइव आएगा माइनस टू उसका भी स्क्वायर करना है, वन का स्क्वायर आएगा वन, माइनस टू का स्क्वायर आएगा फोर, वन प्लस फोर आएगा रूट फाइव। ये है ए बी का डिस्टेंस, राइट। तो थोड़ा सा बॉक्स कर देते हैं। अब निकालना है हमें डिस्टेंस ऑफ बी सी। अब बी सी के लिए क्या आएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हर एक के लिए, अब बी एंड सी ये दो पॉइंट्स है हमारे लिए, राइट। तो बी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या होंगे, एक्स वन वाई वन बोल के वो रिएक्ट करेंगे, और सी के पॉइंट क्या रिएक्ट करेंगे, एक्स टू वाई टू। सिंपल सी बात है, क्या है फॉर्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन। तो एक्स टू कितना है यहाँ पर, माइनस टू, एक्स वन है टू स्क्वायर प्लस वाई टू की वैल्यू है माइनस इलेवन माइनस थ्री उसका स्क्वायर, ये कितना आएगा माइनस फोर उसका स्क्वायर प्लस माइनस इलेवन माइनस थ्री माइनस फोर्टीन का स्क्वायर। तो फोर माइनस फोर का स्क्वायर आएगा सिक्सटीन, माइनस फोर्टीन का स्क्वायर आएगा 196, इनका एडिशन कर दो ये आएगा 212, ठीक है। उसको ही आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आप बाद में करना, 4 into 53, राइट, बाद में कैलकुलेशन करो, ये यूं ही नहीं आते। तो हर एक को आप स्क्वायर रूट दे सकते हो, तो रूट फोर की वैल्यू आएगी टू, रूट 53। ये किसका डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू टू इंटू रूट 53, राइट। अब क्या रह गया, डिस्टेंस ऑफ ए सी निकालना है। तो ए पॉइंट है, ए सी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स वन वाई वन, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स टू वाई टू। तो फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन ब्रैकेट स्क्वायर। चलो एक्स टू कितना है, माइनस टू है, एक्स वन कितना है, वन है उसका स्क्वायर कर दो, माइनस इलेवन माइनस फाइव इसका स्क्वायर आएगा, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर, माइनस इलेवन माइनस फाइव माइनस सिक्सटीन का स्क्वायर, माइनस थ्री का स्क्वायर आएगा नाइन, सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन का आएगा 256, इनका एडिशन आएगा 265, राइट। तो ये आएगा डिस्टेंस ऑफ ए सी। अगर मैं यहाँ पर साइड में सभी के डिस्टेंस लिख दूँ, डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आया था, रूट फाइव, डिस्टेंस ऑफ बी सी आया था टू रूट 53, और डिस्टेंस ऑफ ए सी आया है स्क्वायर रूट ऑफ 265। यहाँ पर आप किसी का भी एडिशन करके देख लो, अगर हम ए बी, ये आपको चेक करना पड़ेगा हाँ, इज इक्वल टू ए सी आता है या नहीं। ए बी कितना है, रूट फाइव है, बी सी कितना है, टू रूट 53 है, राइट, और ए सी कितना आना चाहिए, टू रूट 65, रूट ऑफ 265। तो क्या इनका एडिशन किसके इतना आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं,
तो ये मतलब इक्वल नहीं है। और इसी तरीके से आपको किसका किसका चेक करना है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी चेक कर लिया, वो इक्वल नहीं आ रहा। उसी तरीके से आप क्या कर दो, ए सी प्लस ए बी इज इक्वल टू बी सी आता है या नहीं वो चेक करो, वो भी नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर इस इन तीन नंबर्स को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किसी भी दो नंबर का एडिशन जो है वो तीसरा नंबर नहीं है। माना कि यहाँ पर जो नंबर्स है ना वो सब स्क्वायर रूट में है, इसीलिए कंफ्यूज हो सकता है। चलो मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल में बताती हूँ। अगर आपके पास सपोज ये नंबर है कुछ तो 3 और ये है 5 और ये आ रहा है 8, तो आप क्या बोलोगे, हाँ किसी तो दो नंबर का एडिशन जो है वो तीसरा नंबर है यहाँ पर, राइट। जैसे कि यहाँ पर 3 5 है और इसका एडिशन कर दोगे तो ये आ रहा है, राइट। तो ये मतलब कोलिनियर पॉइंट्स है। और अगर एक एग्जांपल लेना है 1 2 और 4, अब कोई भी दो नंबर का एडिशन कर दो, यहाँ पर तीसरा नंबर वैसा है या नहीं आपको देखना है। अगर 1 प्लस 2 का एडिशन कर दोगे तो वो 3 आएगा, जो कि ये नंबर है नहीं। उसी तरीके से अगर आप 2 प्लस 4 का एडिशन करोगे 6 आना चाहिए, यहां पर नहीं है। अब कौन रह गया, 1 प्लस 4 का एडिशन कर दो 5 आना चाहिए, यहां पर वो नहीं है। मतलब ये पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर नहीं है, ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। उसी तरीके से ये पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। कौन रह गया, ए बी, ए बी का तो हो गया, बी सी प्लस ए सी इक्वल इज नॉट इक्वल टू ए बी, देयरफॉर ए बी सी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स।